हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर तो पीएम मोदी ने अमेरिका में कर डाली परमाणु समझौते से भी एक बड़ी डील, और वो डील है दोस्तों सेमीकंडक्टर से जुड़ी। अभी तक आपको बताऊंगा, हमारे देश में सेमीकंडक्टर आयात किए जाते रहे हैं, लेकिन भारत में भी अब जल्दी सेमीकंडक्टर चिप बन पाएगी, क्योंकि भारत को अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने जा रहा है। ये मतलब अभी जो पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, इस दौरान भारत अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की मुलाकात भी की। इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण भी मौजूद रहे। देखिए, यूएन के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है, लेकिन इसके बजाय दुनिया में समुद्र और स्पेस भी अब जंग का मैदान बन रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली यूएनजीए के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। यूएन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानवता के छठे हिस्से की आवाज पहुंचाने आया हूं। और इस अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाली समकक्ष और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति समेत विश्व के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान नेपाल, कुवैत और फिलिस्तीन के नेताओं से बैठकें भी की, और गूगल से लेकर एनवीडिया कंपनियों के टेक दिग्गजों से भी पीएम मोदी ने खास संदेश देते हुए कहा कि तकनीक को विकसित भारत का स्तंभ बताया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान जाएगी। 24 से 28 सितंबर तक उनका ये उज्बेकिस्तान का दौरा होगा, और इस दौरान वह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी करेगी। यहाँ कई सारी बैठकों में हिस्सा भी लेगी। चलिए अगली बड़ी एक चिंता भरी खबर देखिए दोस्तों। भारत में एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मामला कंफर्म हो चुका है। जो यूएई से भारत लौटा था ना युवक, उसमें इसके लक्षण मिले थे, तो अब आखिरकार जांच में ये तय हो गया केरल लौटा था ये शख्स। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस शख्स में मंकी पॉक्स के इस खतरनाक स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, और ये भारत में इस तरह का पहला मरीज मिला है। और आपको पता होगा दोस्तों, इस मंकी पॉक्स के क्लेड 1 स्ट्रेन को WHO ने भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था दुनिया भर में। तो ये भारत के लिए वाकई में बड़ी चिंता की बात है, और अब सरकार ने भी ये कहा है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। ये देख सकते हैं आप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है इस संबंध में। ये मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, इन चीजों के जरिए फैल सकता है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड के यानी कि बच्चों के इस तरह के गंदे वीडियो को डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि ये देखना या डाउनलोड करना पूरी तरह से क्राइम है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है, हम उसका फैसला रद्द करते हैं, ये मामला वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। तो चाइल्ड पो, ये इस शब्द को मैं बोल नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस शब्द को बोल दूंगा वीडियो को अभी YouTube टेक डाउन कर देगा। अंग्रेजी में ये शब्द है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे बच्चों के गंदे वीडियो होते हैं ना, तो कई लोग इन वीडियो को ऑनलाइन सर्च करते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ये पूरी तरह से अपराध है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अब केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और पॉक्सो एक्ट में बदलाव की सलाह भी दी है, मतलब इस एक्ट में बदलाव किया जाए और ये ऑफिशियल रूल डाला जाए ऐसा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उड़ीसा सरकार ने भी एक फैसला लिया, कहा कि बाल यानी कि बच्चे बच्चों के इस तरह के वीडियो के मामलों की जांच के लिए अब उड़ीसा राज्य में स्पेशल समर्पित टास्क फोर्स बनाई जाए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ाई है। 35 रुपए किलो प्याज की खुदरा बिक्री को बढ़ाने की योजना है सरकार की। वहीं खबर आ रही दोस्तों कि देश में साल 2030 तक 1,00,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना भी बनाई है सरकार ने। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का प्लान तैयार है, और वैसे भी अब दिन ब दिन हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए अब पेट्रोल पंप की ही तरह देश भर में सड़कों या हाईवे के किनारे आपको चार्जिंग स्टेशन नजर आएंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार तेजी से नए प्लान पर काम भी कर रही है। अभी तक मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 34,000 चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन 2030 तक इनको बढ़ाकर 1,00,000 करने का लक्ष्य योजना बनाई है सरकार ने, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए गर्व की बात है, एक भारतीय फिल्म की ऑस्कर रेस में ऑफिशियल एंट्री हुई है। FFI ने 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को चुना। आखिरकार लंबे समय बाद एक बार फिर से भारतीय फिल्म की ऑस्कर में एंट्री हुई है। डायरेक्टर किरण राव की लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 29 फिल्मों में से ये इस फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया, तो अच्छी बात है, देखते हैं आगे फिल्म ये क्वालिफाई करती है या नहीं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना, लापता लेडीज फिल्म का नाम है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार रखेगी अब हर मोबाइल टावर पर नजर, स्पैम कॉल को रोकने के लिए नया लक्ष्य बनाया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कॉल ड्रॉप और इसके साथ ही
लेकर ड्रॉप की दरों को कम करने के लिए अब देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर की निगरानी की जाएगी और ये निगरानी अभी तिमाही स्तर पर की जाएगी और बाद में इसे हर महीने के आधार पर निगरानी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों कॉल ड्रॉप यानी कई बार हमें समस्या होती है ना फोन पर बात करते करते हेलो हेलो कट कट के आवाज आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कई बार तो कॉल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आम लोगों के लिए टेलीकॉम सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब केंद्र सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जो तिरुपति मंदिर में लड्डू के प्रसाद का विवाद चल रहा है तो इस मामले पर अब घी सप्लायर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया सरकार ने और भी केंद्र सरकार ने चार कंपनियों के सैंपल जांचे हैं। एक कंपनी के घी में मिलावट भी पाई गई। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के विवाद के बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये चार कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए गए हैं। हालांकि पुजारी का कहना है कि अब मंदिर पूरी तरह से शुद्ध है, लोग अपने प्रसाद को घर पर ले जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को दे 10-10 लाख रुपए। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है, अभी सिर्फ 85,000 रुपए की मामूली रकम मिलती है दुर्गा पूजा में कमेटियों को खर्च करने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अब 10-10 लाख रुपए की रकम जारी की जाए। ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए अगली खबर है, अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले पीएम मोदी पहले जैसे नहीं रहे, मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, ये लोकसभा में साफ दिखता है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए, एक मदरसे को जमीन देने के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, राम धुनी और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, बाजार स्कूल वगैरह भी बंद रहे। राजस्थान के उदयपुर के मावली में ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए खबर है दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि चौथी बार सरकार बनने की गारंटी भले ही नहीं है, लेकिन ये तय है कि रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मजाक कर रहा था। इधर दिल्ली में आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी और कहा कि जैसे राम के भाई भरत ने खड़ाव रखकर सिंहासन संभाला था, मैं भी ठीक वैसे ही दिल्ली संभालूंगी। हालांकि उनकी इस क्रिया पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चापलूसी नहीं बल्कि काम करें। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बदल गई मुंबई पुणे एयरपोर्ट की पहचान, अब इन संत महात्मा के नाम से जाना जाएगा इस एयरपोर्ट को। दरअसल पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया, तो ये अब इसका नया नाम होगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। वही देखिए रेलवे से बड़ी खबर, ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, खंडवा कोर्ट में पेश हुआ, आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले फटे थे डेटोनेटर्स। और खबर आ रही दोस्तों हरियाणा में, देखिए भूपेंद्र हुड्डा बोले संभव बॉर्डर खोलेंगे। हरियाणा रोहतक में उन्होंने कहा कि सैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी झूठ की दुकान बताया। चलिए अगली खबर देखिए, मैरिटल रेप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट इसे अपराध मान चुके हैं ऑलरेडी, मगर अभी हमारे भारत के कानून में संविधान में ये अपराध नहीं है। मैरिटल रेप का मतलब समझ रहे हो, शादी होने के बाद पत्नी के साथ इस तरह की वाहियात हरकतें करना। तो देखते हैं इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही देखिए, एक पीएमआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही कि सितंबर महीने में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का उत्पादन थोड़ा धीमा पड़ा हमारे भारत में। 2024 में ये अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा देखने को मिला, ये देख सकते हैं आप आंकड़े भी। और किसानों की फसलों को लेकर भी कुछ आंकड़े जारी किए सरकार ने। इस बार 1104.63 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ फसलों की बुआई, मक्का धान श्री अन्न और तिलहन दलहन की बढ़त जारी है। तो आंकड़ों के मुताबिक तो इस बार अच्छी खासी पैदावार होने के चलते थोड़ी महंगाई से राहत मिल सकती है आम लोगों को, क्योंकि बारिश वगैरह भी इस बार काफी अच्छी हुई है अधिकतर राज्यों में, है ना। दोस्तों एक तेल मार्केट में काफी शोर मचाया हुआ है, शोर से मेरे कहने का मतलब ये कि तेल की बातें आजकल हर घर में हो रही हैं। ये तेल का नाम है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, और ये तेल इसलिए भी इतना ज्यादा वायरल चल रहा है क्योंकि ये बाकी तेलों की तरह नहीं है जिनका प्रचार टीवी पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, जिनमें कई तरह के केमिकल आते हैं जो आपके बालों को और कमजोर करते हैं, लेकिन ये आदिवासी तेल पूरी तरह से जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये जड़ी बूटियां सिर्फ हक्की पिक्की समुदाय के लोगों के पास होती हैं, क्योंकि ये तेल सबसे पहले इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने बनाना शुरू किया था जब वो आदिवासी जंगलों में रहते थे, तब उन्होंने खोज की और अब उनके वंशज इस तेल को दुनिया भर में सभी के पास पहुंचा रहे हैं। आपको भी अगर बालों की समस्या है, बाल जड़ रहे हैं या सफेद हो रहे हैं, या आपके दोस्त परिवार में किसी को समस्या है, तो इससे पहले कि उनके सर से पूरे बाल साफ हो जाएं, देर मत कीजिए और ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मंगवा लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, वहीं से ऑर्डर करना दोस्तों, क्योंकि अगर हर कहीं से आप मंगाते हो तो आपको नकली तेल भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल इसके नाम से मार्केट में काला पानी बेचा जा रहा है। चलिए दोस्तों युवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खाएगा नहीं बल्कि नए अवसर देगा और काम भी मिलेंगे युवाओं को, नए नए लोगों को। डेलाइट साउथ एशिया के CEO रोमल सेट्टी बोले कि जारी रहेगा तकनीक में इंसानी दखल, तो लेकिन उनका पर्सनली ये मानना है कि AI की वजह से लोगों की नौकरियां जाएगी नहीं बल्कि नई नौकरियां नई भूमिकाएं पैदा होगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। वही देखिए खबर, वायु प्रदूषण पर बैठक हुई PMO की और इसमें प्लान बनाया गया, एक तो दिल्ली NCR में EV में बदलाव किया जाए। PM के प्रधान सचिव बोले कि पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू होनी चाहिए करके दिल्ली में, ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना फैले, है ना। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार का एक और बड़ा फैसला, ब्राह्मण क्षत्रिय आर्थिक विकास निगमों के गठन की भी मंजूरी मिल चुकी है
और 50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया सरकार ने दोनों निगमों के लिए। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए दो अलग निगमों का गठन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये दो अलग निगम बनाए हैं और इन निगम का मकसद ये है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदे दिए जाएंगे नई नई सरकारी योजनाओं के, है ना। चलिए फार्मर्स को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। 21 राज्यों के किसानों की आवाज से गूंज उठा ताल कटोरा स्टेडियम। नई दिल्ली के इस स्टेडियम में हजारों की संख्या में किसान भाई लोग इकट्ठे हुए, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इसमें किसानों ने प्लान बनाया है, एक तो आने वाली 17 नवंबर 2024 को दिल्ली का घेराव करेंगे किसान भाई लोग और इसके बाद 26 नवंबर को विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह प्लान बनाया गया। वहीं आगामी 17 नवंबर को तो लाला लाजपत राय की बरसी पर किसान भाई लोग पूरे देश में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और फरवरी 2025 में भी किसान भाई लोग सभी प्रदेशों की यानी कि हमारे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवनों के सामने भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, है ना। तो ये किसान भाई लोगों को लेकर अपने आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई गई। चलिए अगली खबर देखिए। एक महिला सीए कर्मचारी की जो मौत का मामला सामने आया था उस पर अब सरकार सख्त हुई। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 10 दिनों में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए इंडियन आर्मी को लेकर अपडेट आ रहा। सेना की टीम सियाचिन ग्लेशियर से पहुंची इंदिरा पॉइंट। जल थल और नभ में तय की 5,500 किलोमीटर की दूरी है। प्रादेशिक सेना ने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट तक के सफर का अभियान शुरू किया था और इसके तहत सेना ने तकरीबन 5,500 किलोमीटर की दूरी तय की है ये लक्ष्य हासिल करने के लिए। वाकई में इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट यार। अगर आप भी हमारे भारतीय सेना से लव करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और हाँ बाकी याद दिला दूं DLS न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले कभी मिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप गुजरात में फिर से कांपी धरती। गुजरात कच्छ में ये भूकंप के झटके महसूस हुए, तीव्रता 3.3 मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों दिल्ली मेट्रो को लेकर। देखिए फेज 4 के ट्रैक पर दौड़ेगी स्वदेशी मेट्रो ट्रेन। ड्राइवर लेस फीचर से लेस है ये ट्रेन, 95 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। वैसे तो इसका ऑर्डर 2022 में दे दिया गया था लेकिन अब ये लगभग बनकर तैयार हो चुकी है चलने के लिए। तो जल्दी अत्याधुनिक मेड इन इंडिया मेट्रो ट्रेनें दौड़ेगी दिल्ली की मेट्रो फेज 4 में। और वहीं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय कार खरीदार साल 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, रिपोर्ट में दावा किया गया। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के सर्वे में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि साल 2030 तक ईवी के लिए 49% ज्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग बाग। हालिया स्टडी में ये बात भी सामने आई है। और रियल स्टेट मार्केट पर भी अच्छी खबर आ रही कि रियल स्टेट में मंदी नहीं होगी बल्कि साल 2047 तक 10 लाख करोड़ डॉलर का होगा हमारा भारत का रियल स्टेट बाजार। यानी भारतीय रियल स्टेट बाजार में मंदी के कोई संकेत नहीं है। अगर आपको कोई कहे भी तो टेंशन ना लें, मतलब प्रॉपर्टी मकान जमीनों के दाम घटने वाले नहीं है ऐसा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अभिनेता AI किरदार वाले परियोजना पर काम कर रहे हैं। AI पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। ये इंटरनेशनल अभिनेता है जो अभी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और रोजगार के मोर्चे पर भी एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। जुलाई महीने में EPFO ने 20 लाख नए मेंबर्स जोड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए एक तो बड़ी दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की वजह से स्कूली बच्चे समेत 8 लोगों की जान चली गई, अन्य की हालत गंभीर है। 8 में से 6 तो बच्चे थे। ये सभी बारिश से बचने के लिए एक खंडहर में रुके थे। पिछले 18 दिनों में छत्तीसगढ़ में 26 लोगों की जाने गई खराब मौसम बिजली वगैरह की वजह से, और अभी भी बिजली गिरने से ही ये 8 लोगों की जान गई। आज भी छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि बिजली हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा सहायता राशि भी देंगे। वहीं देश के कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। देखिए बिहार में बाढ़ की वजह से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टाली गई। मध्य प्रदेश में भी आज से फिर बारिश का अलर्ट है। बिहार में मुंगेर में गंगा नदी की तेज धार में बहा पुल, बाढ़ की चपेट में 12 जिलों की तकरीबन 12.5 लाख आबादी। यही वजह की खड़गिया और लखीसराय में परीक्षाओं को टाला गया। इधर मध्य प्रदेश का भी मानसून अपडेट देखिए आप। सीहोर में बिजली गिरी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। धार खंडवा में 2 इंच बरसात हुई। 3 दिन प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अलर्ट है। राजस्थान के 3 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन अब तक औसत से 57% ज्यादा बरसात देखी गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद फिर बारिश का अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। झारखंड के कई इलाकों में आज हल्की बारिश के आसार रहेंगे। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। 25 सितंबर को यानी कल भी बारिश हो सकती है तो सावधान रहिएगा ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज मतलब टोटल 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना हमारे देश में, और बाकी उत्तर प्रदेश में तो हालात काफी गंभीर ही चल रहे, मैंने आपको बताया था। झांसी में सड़कों पर आ चुके मगरमच्छ भी। कानपुर में 13 गांव डूबे। आज से 6 दिन और यूपी में बारिश का अलर्ट है। अब तक भी 6% कम पानी बरसा, ठीक है। और उत्तराखंड से भी देखिए आप, 30 सितंबर को विदा होगा मानसून। 25
और 26 सितंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान है। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमत फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 374 रुपए बढ़कर 74,467 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, जबकि चांदी 1,166 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई है। ये 1,161 कम होकर 87,756 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इससे पहले चांदी 88,917 पर थी। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स ने भी 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, मोबीक्विक कंपनी को 700 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, है ना। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स कंपनी का आईपीओ भी 26 सितंबर को ओपन होगा, जिसमें 30 सितंबर तक निवेशक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,784 का होगा, है ना। और वही दोस्तों, F&O ट्रेडिंग, जो FNO होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उस ट्रेडिंग पर सेबी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक 93% इंडिविजुअल यानी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, आपके हमारे जैसे लोग, ये इस ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं। फिर भी म्यूचुअल फंड से अधिक क्रेज है लोगों में, सेबी की तरफ से यह खुलासा किया गया। FNO में मतलब ऑन एवरेज दोस्तों हर 10 में से 9 ट्रेडर को लॉस होता है, खुद सेबी की स्टडी में यह दावा किया गया। बीते 3 साल में 93% FNO ट्रेडर्स को 1.8 लाख करोड़ का घाटा हुआ। अब जरा सोचिए कितना पैसा जो FNO में डुबो दिया लोगों ने। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि शुरुआत इन्वेस्टिंग से करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं ट्रेडिंग के लिए, इसके बजाय आप इन्वेस्टिंग में करें, स्विंग ट्रेड पकड़े तो बेहतर होगा, ठीक है ना। और वहीं टाटा सन्स कंपनी पर भी एक अपडेट आ रहा है दोस्तों, कंपनी को बड़ी राहत मिली है, 1,500 करोड़ के GST मामले से छुटकारा मिला है, तो इसके भी स्टॉक में आपको आज नजर रखनी चाहिए, है ना। और वही खबर दोस्तों, जल्द ही भारत के लिए प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी, विदेश सचिव विक्रम मिश्रा की तरफ से यह बयान जारी किया गया, क्योंकि आखिरकार प्रधानमंत्री अपना अमेरिका का दौरा खत्म कर चुके हैं, जल्दी देर रात वहां से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए खबर है, लोकल बनेंगे ग्लोबल, इन उद्यमियों को मिलेगा उत्तर प्रदेश एक्सपो में शामिल होने का मौका। दरअसल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का इस बार दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा, और इसमें काफी निवेशक भी आएंगे, लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा 25 से 29 सितंबर तक, मतलब कल से ये शुरू हो जाएगा, और इसमें देश भर से दुनिया भर से अलग अलग उद्यमी हिस्सा लेंगे। चलिए खबर है, रिलायंस पावर प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाएगी 1,525 करोड़ रुपए, बोर्ड की तरफ से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अमरेंदु की तरफ से बयान जारी किया गया बोकेरो स्टील प्लांट को लेकर, ठीक है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म स्त्री 2 ने रचा इतिहास, 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई करने वाली पहली हिंदी मूवी बन चुकी है ये स्त्री 2, शाहरुख रणबीर की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। चलिए एक अच्छी खबर देखिए खेल जगत से, ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया, पॉप ग्रुप WISH विश ने ये गाया है वाइटर ए टेक्स, ये गाना 3 अक्टूबर को पहला मैच होगा। चलिए आगे बड़े खबरों में देखिए आप, ओलंपिक पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले 17 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, हर प्लेयर को 7,7 लाख रुपए दिए, अमित रोहिदास और प्रवीण कुमार को स्पेशल अवार्ड भी मिला, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ से ये फंक्शन का आयोजन किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, भारत नेपाल सीमा पर खतरा मंडराया हुआ, 2500 जिहादी तैयार कर रहा पाकिस्तान, और गोपनीय तरीके से ये यूपी के मदरसों में भी शामिल हो सकते हैं, ये एक खुफिया एजेंसियों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए आप, 4 लेन पर लिफ्ट लेकर राहगीरों से करता था लूट, CCTV से खुला राज तो पहुंच गया आवालात, ऐसे ठग बदमाशों से भी सावधान रहें, सड़क पर चलते समय ऐसे हर किसी को लिफ्ट भी ना दें, वरना उल्टा आपके साथ धोखा हो सकता है, लूटमार चोरी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, 3 नक्सली इसमें ढेर हो गए, AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले थे जवान, और तभी ये मुठभेड़ हुई। चलिए अगली खबर आ रही कि SC ST के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे आगे हमारे देश में कौन सा राज्य है, पता है किस राज्य में इस तरह के मामले केस सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं, तो इसको लेकर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, ये SC ST अपराध के मामलों में सबसे आगे हैं। देख सकते हैं आप कितने केस दर्ज हुए, किन किन सालों में, ये कुछ आंकड़े भी। चलिए अगली खबर है, दुनिया जीतने निकलेगी नौसेना की 2 जांबाज महिला अधिकारी, और ये 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेगी इस दौरान। नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत आने वाले अगले 8 महीनों में 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेगी ये 2 महिला अधिकारी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इनकी यात्रा शुरू होगी। समुद्र की गहराइयों से लेकर लहरों पर अब देश की महिलाएं भी अपना गौरव दिखाएगी, वाकई में बड़े गर्व की बात है इन लड़कियों पर। चलिए अगली खबर आ रही, चंद्रयान 3 को लेकर देखिए, हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने कमाल कर दिया, प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजा सबसे पुराना गड्ढा भी। चंद्रयान 3 ने हाल ही में एक खोज में 160 किलोमीटर चौड़ा नया गड्ढा खोजा है, और ये गड्ढा एंटेक बेसिन से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। और वही खबर है दोस्तों, राजपूताना राइफल्स की 128 इन्फेंट्री बटालियन पारिस्थितिक कार्य बल ने 500,000 से ज्यादा पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, और एक पौधा मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का लोगों को संदेश भी दिया। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स को 2 महीने की छुट्टियों का नहीं मिलेगा वेतन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। वही दोस्तों, आईफोन 16 प्रो के अंदर कई लोगों को टच और स्क्रीन लेग की परेशानी आ रही है, क्या आपने भी ये परेशानी देखी है क्या? आजकल सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि आईफोन 16 प्रो में ये दिक्कतें आ रही है। देखते हैं अब कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आता है। वही देखिए, हरियाणा राज्य में किसानों के लिए कुछ खबरें हैं, मंडियों में प्रवेश करने के लिए अब गेट पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार, बल्कि प्रदेश के किसान अब घर बैठे ही मंडी का गेट पास बना
बना सकेंगे। HSAMB ने नए मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को यह सुविधा प्रदान की है। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी राहत भरी खबर है। फिलहाल ये पहल हरियाणा सरकार करने जा रही है, फिर धीरे धीरे आपको देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों को फायदा देने के लिए ये नई पहल देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, इजराइल गाजा हमास जंग संघर्ष के बीच हजारों छात्र शिक्षकों ने IISc से भारत इजराइल सम्मेलन रद्द करने को कहा है। वही खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और ये बड़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी कि DA का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा, मतलब इस साल की शुरुआत से ही बड़े हुए डिविडेंड का लाभ मिल पाएगा। और इस निर्णय से उत्तराखंड के तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, संपत्ति का ब्यौरा दर्ज न देने वाले कर्मचारियों के DDA का वेतन भी अब रोक दिया जाएगा। इतने दिन तो उनका मूल वेतन रोकने का प्लान था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने सख्त चेतावनी दी है, DDO का भी वेतन रोकने का निर्णय लिया। ये यूपी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड में अब जेलों में बंद कैदी भरेंगे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल। पहले चरण में 6 जेलों के बाहर खुलेगा पेट्रोल पंप और कैदी वहां पर काम करेंगे सब कुछ मिलकर। ये झारखंड सरकार की वाकई में अच्छी पहल है, इससे कैदियों को भी रोजगार मिल जाएगा और दिन में उनका काम भी हो जाएगा तो टाइम पास भी नहीं करना पड़ेगा ना। चलिए खबर है, राजस्थान के एक गाँव की दास्तान देखिए जरा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी नियम बदले। यहाँ PM आवास योजना में एक भी पक्का मकान नहीं बनता है, बल्कि देश का बेस्ट विलेज सब कुछ ये देवमाली बन चुका है। देवमाली विलेज ब्यावर में आई है ना। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में दूसरे चरण में तकरीबन 15,500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित भी मतदान करेंगे। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। ये पिछला चरण का मतदान होगा 25 सितंबर, कल 26 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर को होने वाले मतदान में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखते दोस्तों। देखिए आम आदमी पार्टी विधायक अमान तुल्ला खान को बड़ा झटका लगा, 7 अक्टूबर तक कोर्ट ने इनकी न्याय की रसद को बढ़ा दिया है। और वही खबर है, महाराष्ट्र के बदलापुर में पिछले महीने जो कांड हुआ था तो उसके मुख्य आरोपी के एनकाउंटर में जान भी चली गई है। वही खबर है, 26 सितंबर को हरियाणा आएंगे राहुल गांधी, अंसद और बरवाला में इनकी जनसभाएं भी होगी। चलिए कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए केंद्र सरकार को ECGC, NHPC और BHEL से मिले लाभांश किस्त के रूप में 828 करोड़ रुपए, इन तीन कंपनियों से मतलब सरकार को इतना मुनाफा मिला है। वही खबर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिजनेस लीडर्स और CEO के साथ बैठक की, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर समेत निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैसे आपको बता दूं, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 23 से 25 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। कल से ये रवाना हो चुके हैं, 25 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़े जारी किए और कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के 54 मंत्रालयों ने पूर्वोत्तर राज्यों में तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अलग अलग विकास परियोजनाओं में। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि सरकार ने अगले वर्ष के मध्य तक 1,00,000 4G मोबाइल टावर लगाने का भी लक्ष्य रखा है। वहीं देखिए, विदेशी निवेशकों ने सितंबर महीने में भारतीय इक्विटी बाजारों में करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो FPI के रूप में भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश देखने को मिला है। और खबर है, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई में क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ भी किया। बड़ी खबर देखिए, CBI इन्वेस्टिगेशन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ लिमिट तय की है CBI की। अब बिना परमिशन इन अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं हो पाएगी। अभी छत्तीसगढ़ में भी CBI को जांच के लिए एंट्री मिल गई है, लेकिन राज्य सरकार ने ये एक शर्त भी रखी है और सरकार के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक राज्य में अब CBI को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने हमला भी बोला है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना। और वहीं दोस्तों खबर है, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान एप्पल मैकबुक M1 पर अच्छा ऑफर मिल रहा है, 53,000 रुपए में आप इसे पा सकते हैं। 27 सितंबर से ये सेल शुरू होने जा रही है। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, कागजात जुटाने के लिए लोगों को 3 महीने की मोहलत मिली और मंत्री बोले कि अभी बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी और बिहार में अब जमीन सर्वे की हर समस्या दूर होगी, आपके दरवाजे तक आएगी नीतीश सरकार। भूमि सुधार मंत्री की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया, अगर जमीन सर्वे में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप घर पर ही परेशानी को सोल्व कर पाएंगे ऑनलाइन कंप्लेन डालकर, तो सर्वे से जुड़े अधिकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए, बिहार सरकार का प्लान, जल्द ही लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। चलिए रेल यात्रियों के लिए खबर है दोस्तों, बिहार झारखंड की 28 ट्रेनें आज मंगलवार को भी रद्द रहेगी, तेजस समेत 24 ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। वहीं देखिए, बिहार में 40,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच हाहाकार समझा, क्योंकि इनका आरोप है कि 2 महीने से इनको वेतन पेंशन तनख्वाह वगैरह नहीं मिल पा रही है। बिहार के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचरों ने यह विरोध किया सरकार का। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की खूंटी सिमडेगा को 734 करोड़ रुपए की सौगात दी है, मतलब खूंटी जिले में ये नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। वही खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छोटी इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड लोन लाएगी श्रीराम फाइनेंस
फाइनेंस कंपनी है। देश में हर साल 150 नई शाखाएं खोलने की भी योजना है इस कंपनी की। और देखिए, यूपी में वाराणसी आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस में ड्यूटी की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया, रेल पटरी पर धरना भी दिया। खबर है, यूपी नोएडा एयरपोर्ट से दुबई सिंगापुर के लिए भी शुरू होगी फ्लाइट सेवा 1 अक्टूबर को। और भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से अपडेट बता दूंगा। बाकी 1 अक्टूबर से ये फ्लाइट के संचालन की सुविधा शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया, 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं राजस्थान में सरकारी बैठकों में अब 10 रुपए की चाय और 18 रुपए के बिस्किट अधिकतम खर्च कर पाएंगे। वित्त विभाग की तरफ से सरकारी विभागों में चाय नाश्ते की दरें भी तय की है। ये अलग अलग खर्चे के लिए अधिकतम रेटें ये होगी, देख सकते हैं आप, क्योंकि कई बार खर्चों के नाम पर सरकारी कर्मचारी ऑफिसों में एक्स्ट्रा खर्चे का बिल बनवा लेते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब राजस्थान सरकार ने यह नए नियम लागू कर दिया है ना। वही एक अच्छी खबर है, अब राजस्थान सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा रेलवे। सीकर स्टेशन पर ट्रेन का यह 5 मिनट का ठहराव होगा। खबर है, राजस्थान में 52 अटल पथ को भी मंजूरी मिली, 206 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, 41 विधानसभा क्षेत्रों में बनेगी कनेक्टिंग सड़कें। और वहीं देखिए, राजस्थान में रेलवे और खिलाड़ियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, 40 करोड़ रुपए की लागत से गणपति नगर रेलवे कॉलोनी में बनेगा इंडोर स्टेडियम। ये भी मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, राजस्थान जयपुर में। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, एक बस खाई में गिरी जिसमें 4 यात्रियों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मेड़घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ, 40 से ज्यादा यात्री घायल भी हो गए। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, 1068 पदों पर सरकारी नौकरियां निकली है। पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई और डिपार्टमेंट्स में होगी भर्ती। पंचायत विभाग में भी 237 पद हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पदों की संख्या आप देख सकते हैं। तो जल्दी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में एनएसएस की स्टेट यूनिट को 50 लाख देने का ऐलान। रायपुर में युवाओं के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य बनाने की शपथ भी दिलाई। चलिए खबर है, यूपी लखनऊ में 16 दिसंबर से लगेगा यूपी महोत्सव, 15 जनवरी तक चलेगा, 150 व्यापारियों को अवसर मिलेगा। और वही खबर देखिए दोस्तों, बिहार में 10 रुपए में इंजीनियरिंग और 5 रुपए में पॉलिटेक्निक कोर्स करने का भी मौका मिल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बोले कि सिर्फ टोकन मनी ली जाती है, 4 महीनों में साइंस सेंटर भी खोला जाएगा। ये भी मतलब बिहार सरकार एक नई योजना चला रही है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब मोहाली में डेंगू के 39 नए केस मिले, 774 घरों पर चालान भी काटा गया लार्वा मिलने के चलते। वही दोस्तों, पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को भी राहत मिली है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रक्रिया को हरी झंडी दी, सरकार ने चुनौती दी थी। और खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों में मांग तेजी से देखी जा रही है, 95,000 रुपए का राजस्व मिला, 100 स्टेशन स्थापित करने की योजना है। और वही खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आया, पूर्व मंत्री ने सीएम सुक्खू पर आरोप लगाए, सौर ऊर्जा प्लांट में करोड़ों का हेरफेर भी किया गया। और वही दोस्तों, यूपी प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचने वाले यात्रियों की भी राह अब आसान होगी, क्योंकि रेलवे के एक मोबाइल ऐप में पूरा महाकुंभ का 3D मैप वगैरह आप देख पाएंगे, कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी आपको, है ना। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा, जनजातीय समूह बेगा, भरिया और सहरिया लोगों के लिए बनेगी अलग बटालियन, भर्ती के लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वही खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने अजिंक्य रहाणे को बड़ा तोहफा दिया, अब क्रिकेट अकादमी खोलकर ये युवाओं का भविष्य संवारेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में 10+2 स्तर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 21 तारीख से ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रही इसकी। वहीं बिहार में देखिए, बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी, 1957 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, सैमसंग गैलेक्सी M55S 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, शुरुआती कीमत 17,999। और ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर है, अपडेटेड यामा रेजर स्ट्रीट रैली स्कूटर भी लॉन्च हुआ, कीमत इसकी 1 लाख के लगभग है, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए आप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 3 यात्रियों के साथ लौटा रूस का सोयूज, 374 दिन बाद ये वापसी हुई है, इनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। और वही खबर है दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइल दागी जिसमें 274 लोगों की जान चली गई, हमले से पहले मैसेज भी भेजा कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लगातार 4 दिनों में तकरीबन 900 एयर स्ट्राइक देखने को मिली, इजराइल हमास गाजा जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, दिनों दिन और तेज हो रहा माहौल, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए टेरो राशिफल कहता है कि जिम्मेदारी निभाते समय आज सिंह राशि के लोगों को नुकसान हो सकता है, तो सावधान रहें। धनु राशि के लोग परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज न करें। वहीं कन्या राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है और मीन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने की भी संभावना है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है। कमेंट में लिखना, आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और बाकी इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में अपने सर के उस एरिया पर बाल उगाना चाहते हैं जहां आपके बाल नहीं है, तो आदिवासी ऑयल ऑर्डर करना मत भूलना। मैं खुद इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप भी ऑर्डर कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, जल्दी करो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ख्याल रखना अपने आप का, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।